नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ आपका अपना बगीचा व्लॉगर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेवोर्थिया लिमिफोलिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी जितने भी प्लांट्स हैं उनकी केयर की वीडियो मिल जाएगी, मैंने लिंक्स डाले हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर, और साथ ही आई बटन के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो ये जो हेवोर्थिया लिमिफोलिया है, सिमिलरली ऐसे एक फैसिएटा आता है, इनको यूजुअली जेब्रा प्लांट भी बोलते हैं, लेकिन ये जेब्रा प्लांट नहीं है। जेब्रा प्लांट में क्या होता है कि सिर्फ बाहर बाहर की साइड में जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो लाइंस दिख रही हैं इधर वाइट वाइट कलर के मार्क्स रहते हैं, अंदर की साइड में कुछ नहीं होता। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वेराइटी के अंदर वाइट मार्क्स नहीं है, रिजेस फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर बाहर अंदर दोनों तरफ फ्रिजेस रहती हैं, तो ये डिफरेंस है। केयर दोनों की ऑलमोस्ट बराबर है, ऐसा कुछ है नहीं कि उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसकी कम केयर करनी पड़ती है। दोनों ही बेस्ट मैं कहूँगा सक्कुलेंट प्लांट है, और आप अगर बिगिनर हैं गार्डनिंग, पेड़ पौधों के अंदर आपकी रुचि अगर अभी अभी हुई है, तो मैं आपको कहूँगा कि इस सक्कुलेंट को, इस प्लांट को ज़रूर लेके आएँ। ये बेस्ट प्लांट है बिगिनर्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। केयर मत करो इसके ज़्यादा, चलेगा, पानी मत दो इसको ज़्यादा, चलेगा और इजीली सरवाइव कर जाता है। ये जो प्लांट है ये पूरा आउटडोर नहीं है, इसको डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए। अगर आप इसको डायरेक्ट धूप देंगे तो इसके जो ये पत्तियाँ ही बोल सकते हो आप, ये थोड़ी सी ब्राउनिश होने लग जाती है। स्प्रिंग और विंटर्स में ग्रो करता है, समर में ये डोरमेंट हो जाता है। इनकी हाइट 6-7 इंच तक चली जाती है एंड फैल भी ये 6-7 इंच तक जाते हैं। और बाकी इसकी सॉइल, वाटरिंग, सनलाइट, टेम्परेचर, प्रोपगेशन कैसे करना है वो वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बात करें इसके केयर की, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सॉइल मिक्स की। इस पर्टिकुलर पौधे को ज़्यादा लंबे टाइम तक मॉइस्ट मिट्टी नहीं पसंद। अगर मैं इसके सॉइल मिक्स की बात करूँ, जो नॉर्मल सक्यूलेंट वाला मिक्स रहता है, वेल ड्रेनिंग, पोरस, लाइट, वो जो सॉइल मिक्स रहेगा वो इसके लिए परफेक्ट है। बारिश के टाइम में आप इसको कम्प्लीटली इंडोर रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो इसके अंदर रूट रोट की समस्या होती रहती है। तो आपको ऐसी मिट्टी लेनी है जो बहुत जल्दी सूख जाए और बहुत जल्दी उसके अंदर से पानी निकल जाए। आप सैंड ऐड कर सकते हैं, कोई भी पोरस एलिमेंट्स, परलाइट ऐड कर सकते हैं, छोटे बहुत पेबल्स ऐड कर सकते हैं, कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। कंपोस्ट थोड़ा कम रखें, गार्डन सॉइल ज़्यादा रखें, या फिर गार्डन सॉइल भी ऐसी चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, फास्ट ड्रेनिंग मिट्टी होनी चाहिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत इजीली प्रोपगेट होता है, आप अलग अलग इसके जो पॉप्स हैं, बेबीज़ हैं, उनको अलग अलग टाइप की सॉइल में डाल के भी चेक कर सकते हैं। आप एक इतना बड़ा पेड़ लेके आएंगे तो इस पेड़ के अंदर ही 12-13 अलग अलग पौधे निकल जाएंगे, तो आप वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अगर मैं कोई भी चीज़ प्रोपगेट करता हूँ, अगर मैंने उसकी 4 कटिंग ली है तो मैं उन 4 को अलग अलग सॉइल मिक्स के अंदर डालता हूँ, तो पता चल जाता है कि किसके अंदर सक्सेसफुल हो रही है, किसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो रही है। बात करें वाटरिंग की, तो जितने भी सक्यूलेंट्स होते हैं उनके लिए एक यही तरीका है वाटरिंग का, कि आप उसको कम्प्लीटली सूखने दें और उसको इतना पानी दें कि उसके ड्रेनेज होल से निकल जाए, वो बहुत ज़रूरी है। उसको मतलब सॉक एंड ड्राई मेथड बोलते हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉक कर देंगे पानी के अंदर पूरा, जब ड्रेनेज होल से निकल जाएगा मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक पानी मिल गया है सॉइल को, और फिर आप इसको छोड़ दीजिए। फिर जब तक ये ड्राई होगा तब तक आपको इसे देखना नहीं है। अगर आप इसको इंडोर्स रख रहे हैं, रखना कैसे है सनलाइट की रिक्वायरमेंट भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसको इंडोर्स रख रहे हैं तो आपको पानी डालने का जो इंटरवल है वो अपना बढ़ा देना होगा, कि आपको मतलब गैप ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडोर्स में इतनी जल्दी सॉइल सूखती नहीं है। पानी की कमी जब इस प्लांट के अंदर होने लगती है तो इसके जो ये लीव्स हैं वो येलोइश कलर के होने लग जाते हैं। अगर आपने इंडोर रखा हुआ ना इसको, तो विंटर्स में तो आप इसको 1 महीने में भी पानी दें तो भी चलता है, और गर्मियों में क्योंकि बहुत जल्दी सूखने जाती है मिट्टी तो आप 1 हफ्ते में भी दे सकते हैं। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं पर्सनली इसको 1 हफ्ते में एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक पानी डालता हूँ, अच्छे से इसको सोक कर देता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक ही बार डालता हूँ क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है। बात करें सनलाइट की, तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, जो सुबह और शाम की धूप होती है 1-2 घंटे की मिल जाए तो परफेक्ट है इसके लिए। लेकिन अगर जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक्सट्रीम धूप में आप इसे रख देते हैं तो ये इसकी जो लीव्स हैं वो रेडिश होने लग जाएंगे, और एक्सट्रीम धूप में रखना भी नहीं चाहिए इसको। इसकी जो फितरत है वो ऐसा है कि इसको इतना ज़्यादा धूप नहीं पसंद,
आप सुबह शाम की जो थोड़ी सी मीडियम या फिर कम हार्श जो धूप रहती है वो आप दे सकते हैं इसको, इसको पसंद है, नहीं तो डायरेक्ट धूप तो इसको ना ही दें। इंडोर्स भी रख सकते हैं आप, आउटडोर्स भी रख सकते हैं, लेकिन शेडेड एरिया के अंदर सुबह शाम की धूप मिले तो इससे अच्छा लगता है। अगर इसके टेम्परेचर की लोअर रेंज की बात करें तो ये ज़ीरो के नीचे भी 1-2 डिग्री तक आराम से सर्वाइव कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम हार्श क्लाइमेट में बाहर रख रहे हैं। अगर जैसे ज़्यादा ठंड होती है, पाला पड़ता है, तो आप इसको इंडोर लेके आ सकते हैं। सर्दियों में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सर्दियों में यूजुअली हम सोचते हैं कि बाहर रहने देते हैं प्लांट्स को, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। जो अपने कमरे के अंदर का एटमॉस्फेयर रहता है और इन्वायरमेंट रहता है वो सही रहता है, ह्यूमिडिटी हम टेम्परेचर्स भी मेंटेन करके रखते हैं, तो वहाँ पर आप किसी एक विंडो के साइड में इसे रखेंगे तो वहाँ पर भी ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। गर्मी का मैंने आपको बता ही दिया, गर्मी पसंद है लेकिन एक्सट्रीम गर्मी नहीं पसंद इसको। बात करें इसके प्रोपगेशन की, तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट आप अपने सामने देख रहे हैं, तो ये इतना जो हिस्सा है ना, ये इसका मेन हिस्सा है, और बाकी जितने भी आपको साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके अंदर बेबीज ऑलरेडी हैं। तो इसकी जो प्रोपगेशन की वीडियो है वो भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। इसको इजीली आप अपने इसके सॉइल मिक्स से निकालो और इनको कट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने जो प्रोपगेशन वाली वीडियो इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इस प्लांट के प्रोपगेशन के बारे में। हाँ, इसके अंदर स्प्रिंग सीजन के अंदर बीच में से बहुत लंबी, मतलब आप समझते हो 2-2 फिट तक भी चली जाती है, एक स्ट्रेट डंडी निकलती है और उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। तो वो कुछ लोग रखना चाहें तो रखें, इतने कुछ सुंदर होते नहीं है वो, लेकिन काट देते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हेवर्थिया लिमिफोलिया के बारे में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में ना आपको बाकी भी प्लांट केयर वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख के बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको सारी वीडियोज़ मिल ही जाएंगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।